हे गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ विंग्स की तरफ से आने वाले फैंटम 210 गेमिंग नेकबैंड का, जो कि मेरा शायद लास्ट इंप्रेशन भी होने वाला है। और वो क्यों, वो आपको वीडियो के एंड होते होते पता चल ही जाएगा। तो चलिए वक्त की परवाह करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बॉक्स की तरफ देखें तो बॉक्स पूरा सील्ड आता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा नया है, अनओपेंड है। तो अगर हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखें तो ब्लूटूथ 5.3 आता है, अप टू 40 आवर्स का प्ले टाइम, IPX5 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस, डुअल पेयरिंग और टाइप सी चार्जिंग। और ये ब्लैक एंड ब्लू कलर में अवेलेबल है, जहाँ तक मुझे को पता है वो ब्लू थोड़ा सा ही है, मतलब वाइट और ब्लैक आप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसको ओपन करके, वैसे गाइस जहाँ तक मुझको पता है कि मतलब ये एकदम नया आया था, तभी मैंने इसको ख़रीदा था। बट क्या कर सकते हैं, मैंने ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है और मुझसे पहले शायद बहुत लोगों ने इसको अनबॉक्स कर दिया होगा। तो फिर बट मैं थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, उन वो लोग भी ऑनेस्ट देंगे, बट स्टिल मतलब मैं मेरे हिसाब से दूंगा जितना मुझको सही लग रहा है, मैं जो फील कर रहा हूँ इसके बारे में। और थोड़ी बातें हैं जो मुझको आप लोगों को बतानी है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो भी थोड़ा एंड में आप लोग देख लीजिएगा। अंदर मतलब खोलने से पहले ही थोड़ा मतलब आवाज़ आ रही थी, ढीला थोड़ा मतलब लग रहा था जैसे निकल चुका है प्रोडक्ट। तो जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही है, मतलब थोड़ा सा निकला हुआ था तो ठीक है। और वो क्यों निकला हुआ था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बताऊँगा कि क्यों निकल सकता है ये। फिर अगर हम लोग प्रोडक्ट की तरफ देखें तो प्रोडक्ट बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं, इतना मतलब अच्छा भी नहीं है। क्योंकि मतलब इसका जो बैंड है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही राउंड है, इतना राउंड मतलब होगा तो मतलब शायद अगर हम मैं सोया रहा तो पिलो की वजह से शायद थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट स्टिल मैग्नेट है इसमें और मैग्नेटिक ऑफ ऑन है कि नहीं वो हम लोगों को वीडियो में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए। नाइस। तो चलिए हेडफोन के अलावा बॉक्स में क्या क्या है वो देखते हैं। हमको बॉक्स के अंदर एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी का है, जो कि देना ही चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को एयर टिप्स मिलते हैं जो कि एयरबड्स भी कह सकते हैं हम। फिर हम लोगों को एक मैनुअल मिलता है जो कि हम लोग शायद ही पढ़ने वाले हैं, तो क्योंकि मतलब इसमें थोड़े स्पेसिफिकेशंस हैं हेडफोन में तो मैं कहूँगा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक वारंटी कार्ड जिसमें लिखा हुआ है नो हैसल गारंटी, वो अगर मैंने कभी ऐसा किया तो मैं समझ जाऊँगा, मतलब बता सकूँगा। फिर हम लोगों को स्टिकर्स मिलते हैं जो कि मुझको सही लगा कि मतलब एक गेमिंग प्रोडक्ट के साथ एक स्टिकर मिलना मतलब है कि मतलब ये स्पेसिफिकली गेमिंग को टारगेट किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। गाइस अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मुझको सो ही लगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा और बहुत ख़राब भी नहीं लगा। 50% सही है, 50% थोड़ा सा मतलब वैसा लगा, कुछ खास अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसका प्राइस रेंज भी 1000 के अंदर आ रहा है तो उसके हिसाब से मुझको बिल्ड क्वालिटी सही लगा। अरे कहना क्या चाहते हो, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर मैं 1000 रुपीज के अंदर कंसिडर करूँ तो सही है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें स्पेसिफिकेशंस भर भर के दिए हैं, जैसे लो लेटेंसी मोड 50 ms का, उसके बाद ब्लूटूथ 5.3, उसके बाद इसमें ENC है, उसके बाद 13 mm के ड्राइवर्स है, 15 meter का वायरलेस रेंज है, बट अगर उस हिसाब से मैं बात करूं तो ये सही है। वैसे अगर मैं इसके मिडल बटन को क्लिक करके रख दूं बहुत देर तो ये पेयरिंग मोड ऑन हो जाता है, और अगर मैं मिडल बटन को 3 बार रैपिडली क्लिक करूं तो इसका बीस्ट मोड जो कि गेमिंग मोड है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसमें हरी बत्ती जलेगी, जहाँ जहाँ वाइट कलर के हैं वहाँ हर जगह हरी बत्ती जलेगी। ये ग्रीन लाइट मतलब सही है, उतना ख़राब नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है गाइस, बट बहुत बल्की हो जा रहा है। मतलब एक नेक बैंड के हिसाब से ये थोड़ा बल्की है, थोड़ा मतलब बल्की बोलने से मतलब थोड़ा सा भारी लगता है ये। और उसके बाद
भारी भी इन द सेंस कि नहीं, मतलब थोड़ा सा यूज है, और इसका क्वालिटी भी मतलब आप लोग देख सकते हैं, मतलब ठीक है। और क्वालिटी के बारे में बात करूंगा नहीं। हाँ गाइस, अब जो मैं कह रहा हूँ कि इसका साउंड बहुत लो आता है, इतना लो मतलब मुझको 90% करके रखना पड़ता है। मैं नॉर्मल एयरफोन या फिर हेडफोन जो यूज़ करता हूँ वो मैं 50 या 40 के अंदर ही रखता हूँ, मुझको ज़्यादा साउंड पसंद नहीं है। पर इसमें मुझको साउंड बढ़ाना पड़ता है गाइस, बहुत ज़्यादा। बेस तो है ही नहीं, उसके बाद अगर गाने के लिए मैं इसको कंसिडर करूँ, मुझको तो गाने में पसंद आया नहीं है। अब गेमिंग के लिए लो लेटेंसी है, आप लोगों को पसंद आ जाएगा, तो आप लोग उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसको वापस करने वाला हूँ, क्यों वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पर पहले आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो फिर इसमें वैसे टाइप सी चार्जिंग केबल लगता है, तो आप लोगों को कोई कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और सही है। थोड़ा सा मतलब बड़ा है हर चीज़, मतलब हर हिसाब से, साइड से भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। उसके बाद कानों में जब देते, कानों में ज़्यादा मतलब इरिटेशन फील होती नहीं है। लॉन्ग आवर्स में भी आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एयरबड्स बहुत भारी हैं झूलते हैं, वैसे नहीं है। बट नेक बैंड थोड़ा सा मतलब बल्की है, थोड़ा साइज मतलब साइज़ में, वेट मतलब ठीक है, वेट में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अब गाइस, मैं जो कहने वाला हूँ कि जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक कुत्ता मतलब एक डॉगी मेरा पार्सल, मतलब ये जो मतलब मेरा जो ऑर्डर है ये वाला विंग्स फैंटम का, ये लेके भाग गया था डिलीवरी बॉय के हाथों से। ठीक है, डिलीवरी बॉय उसके पीछे भागा, उसके बाद वो लेके आया, तो मुझको डिलीवरी बॉय ने ये मुझको बताया, ये बात मुझको डिलीवरी बॉय ने बताया, मतलब एक्चुअली उसने नहीं बताया, वो किसी और को जब सामान दे रहा था तब उसने मुझको बताया। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये बात है। फिर मैं जब घर आके देखा तो निशान थे दांतों के मेरे प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर। तो मेरे को थोड़ा सा पहले ही गड़बड़ लग गया कि मतलब कुत्ता तो मतलब बहुत तेज़ दौड़ा होगा, उसको लेके हिलाया भी होगा, मतलब हिलाया मतलब इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा जर्क किया ही होगा, तो उस हिसाब से शायद हेडफोन बाहर निकल के होंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में कहा था कि ये थोड़ा निकला हुआ क्यों है। तो गाइस मुझको जहाँ तक लगता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मतलब ये डिलीवरी बॉय मुझको बता सकता था, तो मैंने तब ज़्यादा मतलब बातें की नहीं। मुझको पता चल गया था कि अगर कुछ गलत होगा तो भाई आप रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का ऑफ़र आया नहीं, मुझको डायरेक्ट रिटर्न का ऑर्डर आ गया था, तो मैंने मतलब ऑप्शन, तो मैंने डायरेक्ट रिटर्न ही कर दिया। सो गाइस मेरा जो प्रॉब्लम था, इशू था कि साउंड बहुत कम है, मैं तो इसमें थोड़ा गाना भी सुनना चाहता था, तो क्योंकि मैं गाना सुन नहीं पाऊंगा इसमें, सिर्फ गेमिंग ही हो सकता है, तो इस हिसाब से मुझको उतना अच्छा नहीं लगा। बट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को गेमिंग करना है, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा लॉन्ग आवर्स में गेमिंग करना है, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ गेमिंग ही करना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस यही था हम लोगों का आज का वीडियो, सो सी या। वैसे गाइस मैं सोच रहा था उस कुत्ते को उस डिलीवरी बॉय ने पकड़ा कैसे, मतलब वो तो लेके भागा था ना।